हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट क्राई में आप अपना ऑर्डर को कैसा कैंसिल कर सकते हो। अगर आपका ऑर्डर शिपिड भी हो चुका है या आपका फ्रेंड्स आउट फॉर डिलीवरी है, तब आपको क्या करना है, कैसे कैंसिल करना है और आपका रिफंड कैसा लेना है, और मैं आपको बताऊंगा यहाँ कि आपका रिफंड कितने दिन में आता है, आपको कैसे मिलेगा, किधर मिलेगा, कितना टाइम लगेगा। अगर आपने फ्रेंड्स ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो गाइस, तो चलिए हम जानते हैं कैसे करते हैं हमारा कैंसिल। तो ऊपर आपको एक 3 लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ हमें देखिए ऑर्डर हिस्ट्री दिख रहा है। अकाउंट के बाजू में अकाउंट लिखा है, उसके बाजू में ऑर्डर हिस्ट्री ट्रैक ऑर्डर, तो हमें ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करना है। तो जैसे हम ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करते फ्रेंड्स, ये लोड होता है। इसके बाद हमारा जो ऑर्डर की है, यहाँ हमारा शो हो रहा है फ्रेंड्स, वेटिंग टू बी डिस्पैचेड। तो मैंने 2 ऑर्डर के, इसमें से एक कैंसिल करना है, तो मैं फर्स्ट वाले को क्लिक कर देता हूँ जिसे मुझे कैंसिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए मेरा कैंसिल का एक ऑप्शन शो हो रहा है, अभी हमारा शिपिड भी नहीं हुआ, आउट फॉर डिलीवरी भी नहीं हुआ है। उसके नीचे फ्रेंड्स हमें कैंसिल और रीऑर्डर दिखा रहा है, तो कैंसिल पे हमें क्लिक करना है फ्रेंड्स। सेलेक्ट ए रीजन बता रहा है, तो हमें सेलेक्ट ए रीजन फॉर कैंसिलेशन करना है फ्रेंड्स। यहाँ कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए जो आपको प्रॉब्लम है। तो हमारे जो प्रॉब्लम है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ऑर्डर बाय मिस्टेक, फाउंड बेटर डिस्काउंट, तो कुछ भी आप इसमें से कर लीजिए। यहाँ सेलेक्ट ए सब फ्रेंड्स वो देना पड़ेगा आपको, और यहाँ आपको कॉन्फर्म करना है। जैसे आप कॉन्फर्म करते हैं कैंसिलेशन सा, आपका फ्रेंड्स ये कैंसिल हो चुका है। देखिए हमारा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अभी हमें एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाता है, जैसा आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो हमारा द कैंसिलेशन इन प्रोसेस में हो गया है, अब ये कैंसिल हो जाएगा। 5 मिनट लगता है फ्रेंड्स, आपका कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अपना ऑर्डर को कैंसिल करना है। देखिए हमारा कॉन्फर्म हो चुका है, ऑर्डर कैंसिल भी हो चुका है। तो मैं बैक जाके आपको फिर से दिखा देता हूँ, मेरा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, कैंसिलेशन इन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स अभी भी ये टाइम ले रहा है, तो 5 मिनट लगता है आपका हो जाता है फ्रेंड्स ये प्रोसेस में, मतलब हो जाएगा। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपका अगर आउट फॉर डिलीवरी हो गया है तो आपको कैसा कैंसिल करना है। तो गाइस आपको सबसे पहले कस्टमर केयर जो फर्स्ट क्राई के होते हैं उनको कॉल करके बोलना है हमें हमारा ऑर्डर को कैंसिल करना है, और आपको वहां उनको रीजन भी बताना है आप क्यों कैंसिल करना चाहते हो। बस आपका ऑर्डर वो कैंसिल कर देंगे फ्रेंड्स। तो उसके बाद आपका रिफंड, अगर आपने बैंक से पेमेंट किया है तो वहाँ 1 से 2 दिन लगता है आने में, अगर आपने वॉलेट से किया है तो 5 से 6 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में वो पैसा रिटर्न आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपना ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपका डिलीवरी आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है तो आपको डिलीवरी बॉय को बोलना है फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे आके हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है तो आपको मैसेज भी दिखा देना है ऑर्डर कैंसिलेशन का। अगर नहीं भी हो तो उनको बोल देना है हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, नहीं चाहिए तो रिटर्न चले जाता है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो गाइस आपको इस वीडियो में इतना, इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहती है। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड या कोई दूसरी वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करके नीचे जरूर बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बना दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो में इतना ही, और लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं भूलना।